बीते चार पांच साल के दौरान भारत में रिकॉर्ड रोजगार बने हैं, रिकॉर्ड रोजगार बने हैं। एक आम नौकरी के लिए कतारों में धक्के खाता भारत का भविष्य ही नरेंद्र मोदी के अमृतकाल की हकीकत है। साफ है, भरूच के वीडियो से गुजरात मॉडल भी सवालों के घेरे में आया है। भरूच की यह तस्वीर बेरोजगारी की बड़ी बीमारी से हमें खबरदार कर रही है। कुछ आंकड़ों पर गौर करिए, आप चिंता में पड़ जाएंगे। साल 2023 में हरियाणा एसएससी की परीक्षा में 13 सीटों की भर्ती के लिए 13 लाख से ज्यादा आवेदन शामिल हुए। कुछ ही दिन पहले यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 60,000 पदों के लिए 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया। आर्थिक मामलों पर रिपोर्ट्स और आंकड़े जारी करने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी सीएमआईई के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर 2023 के बीच 20 से 24 वर्ष की आयु के 44.3% युवा बेरोजगार थे और 25 से 29 वर्ष की आयु के 14% युवा बेरोजगार थे। आंकड़े खबरदार कर रहे हैं, लेकिन जब भरूच से ही वीडियो आया तो बेरोजगारी का जिन फिर बाहर आ गया। लोकसभा में अमित शाह जी राहुल गांधी को बोलते हैं कि डाटा के आधार पर बात कीजिए, लेकिन हमारे प्रधान सेवक के कौन सी डाटा के बेसिस पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहे हैं? जनता की नहीं, कभी कभी अपने गोदी मीडिया भाई बहन के बात तो सुन लीजिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।